जलवायु और मौसम में अंतर है। मौसम क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में छोटे समय के लिए बदलाव को मौसम कहते हैं, लेकिन उसी वायुमंडल में जब लगातार बहुत समय तक मौसम में बदलाव होते रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग जलवायु। किसी खास वायुमंडल में किसी खास क्षेत्र में 30 वर्षों में बदलाव हुए मौसम के औसत को हम लोग कहते हैं जलवायु। तो याद रखना मौसम और जलवायु में अंतर होता है। कुछ लोग मौसम और जलवायु को एक ही बात समझते हैं, नहीं। तो देखो जलवायु, जलवायु किन किन चीजों से प्रभावित होती है या जलवायु पर कौन कौन चीज है जो असर डालता है उसको हम लोग फॉर्मूला से याद रखेंगे। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को एक हम लोग फॉर्मूला से एक सूत्र से याद रखेंगे, एक ट्रिक है लैंडफॉर्म्स। इसको पढ़ते हैं हम लोग लैंडफॉर्म्स, LANDFORMS लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं। अब देख लो इतने जितने इसमें लेटर है उतने सारे चीज है जलवायु को प्रभावित करने वाले, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ चीजें हैं, नौ कारक है जो जलवायु को क्या करता है प्रभावित करता है, यानी बदल सकता है, जलवायु पर असर डाल सकता है। तो याद करने में बड़ा दिक्कत होता है इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो पहला इसका एल, एल से मतलब होता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश, अक्षांश बहुत ज्यादा असर डालता है जलवायु पर। ए, एल से होता है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, समुद्र तल से कोई जगह कितना ऊंचा है उसको कहते हैं अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है ऊंचाई। तीसरे नंबर पर एन आता है, एन का मतलब होता है नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से कितना दूर है हम लोग, जो मतलब जो जगह होगा समुद्र से ज्यादा नजदीक होगा वहां ठंडा ठंडा समुद्र का हवा है यार, हम लोग समुद्र से बिहार के समुद्र से काफी दूर है तो हम लोग को समुद्र से ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग पास समुद्र होता तो उसका असर हमारे जलवायु पर पड़ता है, लेकिन हम लोग समुद्र के पास नहीं है। डी, डी डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा क्या है, किस प्रकार से हवा चल रही है, देखते हैं कौन कौन हवा आता है, उस हवा के चलने से बारिश होना शुरू, पूर्वैया पछुआ दक्षिणाई ऐसे बहुत सारे लोग हवा का नाम देते हैं, होता है ना। तो डी यानी डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा भी जलवायु पर क्या करता है असर डालता है। एफ होता है फॉरेस्ट, अगर आपके एरिया के आसपास जगह जहाँ रहते हैं उसके आसपास जंगल है तो आपका जलवायु क्या रहता है ठीक रहता है, समय पर बारिश होती है, ज्यादा टेम्परेचर वगैरह नहीं बढ़ता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो जंगल क्या करता है जलवायु पर प्रभाव डालता है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम लोग जलवायु शुष्क जलवायु हो जाएगा, बारिश वरिश होगा नहीं, गर्मी बढ़ जाएगा, फसल वसल नहीं होगा, हम लोग टेटा में मर जाएंगे। तो क्या है एफ से फॉरेस्ट यानी जंगल, वो से ओशन करंट यानी समुद्री धारा, अगर आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास समुद्र और समुद्र में धाराएं चल रही है या बहुत बड़े क्षेत्र को भी समुद्री धारा क्या करती है प्रभावित करती है, तो याद रखना है समुद्री धारा ओशन करंट। अगला है आर, आर से होता है रेनफॉल यानी वर्षा, आपके एरिया में किस प्रकार की वर्षा होती है, कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है, ज्यादा बारिश होती है कम बारिश होती है, इसका भी असर क्या पड़ता है जलवायु पर पड़ता है। एम से माउंटेन, माउंटेन यानी पर्वत, माउंटेन यानी पर्वत, अगर आपके आसपास पर्वतीय इलाका है जहाँ पर्वतीय इलाके में निवास करते हैं तो उसका असर क्या करता है जलवायु पर, मान लो कि पर्वत है, पर्वत यहाँ बीच में खड़ी आया, रहने से हवा आएगा तो रोके कि नहीं इसको है, ज्यादा मिट्टी उट्टी के कटाव नहीं होने देगा, पर्वत है जकड़ के रखा है तो हम लोग जलवायु पर असर पड़ रहा है कि नहीं, सीधा असर डाल रहा है कौन पर्वत यानी माउंटेन। लास्ट में एस, एस यानी सोयल, सोयल यानी होता है मिट्टी, आपके जहां पे रहते हैं वहां की मिट्टी कैसी है, किस प्रकार की मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, रेगुर मृदा है, किस प्रकार की मृदा है, पर्वतीय मृदा है या लेटराइड मृदा है, वो भी क्या करता है असर जलवायु पर डालता है। तो हम लोगों ने देखा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये सब क्या मिलके जलवायु को बदल सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। बार-बार रिपीट करते हैं क्या फॉर्मूला है, लैंडफॉर्म, एल से लैटिट्यूड, ए से अल्टीट्यूड, एल से नियरनेस फ्रॉम सी, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओशन करंट, आर से रेनफॉल, एम से माउंटेन और एस से सोयल। तो याद रखना है मौसम और जलवायु, और ये है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ना कि मौसम को। मौसम क्या है छोटे समय के लिए गणना किया जाता है, लेकिन जलवायु को गणना किसके लिए किया जाता है एक बड़े समय के लिए। नहीं गाना सुना है लो, हिरणिया गाती है मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, छोटा बुद्धि होता है छोटे समय की बात करती है, मौसम क्या रहता है छोटा समय की बात करता है। तो हीरो क्या गाना गाता है पता है तुम लोगों को, मैं जलवायु बन के तेरे दिल को धड़काऊंगा, देखो बड़ा सोच है। तो जलवायु बन गया 30 वर्ष तक, जलवायु कितना वर्ष तक 30 वर्ष तक, कहीं मौसम की बात करें छोटे एक समय के लिए घंटे दो घंटे के लिए 4 महीने 5 महीने के लिए बदल जाएगा, लेकिन जलवायु क्या रहेगा, जलवायु कितने दिन में बदलेगा, मौसम Thank you.
कभी बदल सकता है, मौसम कभी भी इसका कोनो लेखा जोखा नहीं है। तो ये था जलवायु को प्रभावित करने वाले, समझ में आया।